लेकिन भैया थाना शाहीन बाग पर एक आदमी कट्टा लेकर तो घूम रहा था, लेकिन किसी मीडिया ने कपिल शर्मा का पक्ष नहीं दिखाया, लेकिन बेचारे को ट्रोल कर करके उस आदमी को डिप्रेशन में डाल दिया। ललित माल्या बन जाओ, निकल लो लेकर। देश के हालात इतने खराब हैं कि अगर कोई हास्य कलाकार प्रधानमंत्री दोस्तों, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। जी हाँ, जो सोशल मीडिया दिखा रहा है वो अलग तस्वीर दिखा रहा है, और जो हमारा राष्ट्रीय चैनल है, मूर्ख वाला चैनल, पालतू मीडिया पता नहीं कौन सी खबरें दिखा रहा है। लेकिन पालतू मीडिया की खबरों को थोड़ा सा बोला जाता है, एक खबर चलाता है पालतू मीडिया, आज तक का चैनल, जिसमें वो एक खबर डालता है 63 साल के पुजारी ने 12 साल की लड़की को बनाया दुल्हन, शादी की आड़ में दिए गए अजीब तक। वाह, इसका जो विरोध करती है बीजेपी आईटी सेल, जम के करती है और जम के करती है। लेकिन ये जो खबरें हैं भ्रामक, जिनके पीछे कुछ खबरों को छुपाया जा रहा है, कुछ बात तो है जो छुपाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी इतने घबराए हुए हैं कि कोई भी अंगा पंगा करने के लिए तैयार हैं कि देश के लिए, भाई चुनाव तो मैं ही जीतूं, कैसे भी जीतूं, कुछ भी करूं। वीवीपीएट का एक जो है आ गया, और दूसरी तरफ वकील तैयारी कर रहे हैं कि भाई ईवीएम पर भी हम चुनाव आयोग से मांग करने वाले हैं कि चुनावों की डेट हटा दी जाए। वीवीपैट पर सवाल उठ रहे हैं और ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। हम लोग इतने दिन से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अगर अपनी बात कहूं तो मैंने 30 मई 2019 से, जिस दिन दूसरी बार मोदी सरकार ने शपथ ली थी, मैं उस दिन से इसके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। और हम केवल आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम जो भी चीज बता रहे हैं वो तथ्यों के साथ बता रहे हैं, सबूतों के साथ बता रहे हैं। और जहां तक वीवीपैट की बात है, वीवीपैट में किस तरह से घोटाला होता है, किस तरह से वीवीपैट में बेईमानी होती है, इसका तो हमने बाकायदा डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाया है। अगर आप पीछे जाएं तो 6 जनवरी 2024 को जब हमने दिल्ली में जंतर मंतर पर बाकायदा पूरी दुनिया के सामने दिखाया, इतना मीडिया था उसके सामने दिखाया, लाइव डेमोंस्ट्रेशन दिखाया, उसमें सारी चीजें बिल्कुल साफ हो गई कि बड़ा जबरदस्त घोटाला है। सो अब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका पड़ी है, हमारे साथी अग्रवाल हैं, उन्होंने जो डाली है, और उसके बाद जो नोटिस हुआ है, ये हमारी उन सारी बातों को सही साबित करता है जो हम इतने दिन से लगातार कह रहे हैं। हमारी उन तमाम संभावनाओं को, हमारे उन तमाम सवालों को ये एंडोर्स करती है, सिद्ध करती है कि हमारे द्वारा उठाए गए सवाल बिल्कुल सही हैं, और ईवीएम और वीवीपैट में जबरदस्त घोटाला होता है इनके माध्यम से। और इस देश में जो चुनावी प्रक्रिया है निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी नहीं है, जो कि होना। भैया ये प्रधानमंत्री मोदी जी को कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। वीवीपीएट पे और डीवाई चंचोड़ ने जिस तरह से एक के बाद एक जो है फैसले लिए हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन एक फैसला जो है, किसी वकील ने अपील नहीं की, इलेक्टोरल बॉन्ड अगर असंवैधानिक है तो असंवैधानिक तरीके से लिया गया, पैसा भी असंवैधानिक है, तो ईडी सीबीआई क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? लेकिन इस बात को किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। बहस चल रही है हमारे राष्ट्रीय चैनल पर, 63 साल के बुड्ढे ने शादी कर ली 12 साल की, भाई 63 साल के पुजारी की जगह 63 साल का मौल भी डाल देते आज तक वाले तो ज्यादा अच्छा रहता, ज्यादा मतलब न्यूज़ों को दबाने में आसानी हो जाती। लेकिन ऐसा ना हो सका, ऐसा इसलिए नहीं हो सका क्योंकि बेचारे पहले ही जाले फंस गए, गोदी मीडिया, पालतू मीडिया वाले। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है, ये बात तो समझ में आने लगी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि ये जो मीडिया है ये नहीं दिखाता है खबरें चीन के बारे में, ये सोनम वांगचुक के बारे में, लद्दाख के बारे में खबरें नहीं दिखाता है, जहां सोनम वांगचुक बोलते हैं कि 34 जगहों 30 जगहों के नाम बदल दिए चीन ने। कांग्रेस भी चीख चीख करके थक जाती है कि भाई 30 जगह के नाम बदल दिए, राष्ट्रप्रेमी चैनलों जरा सवाल पूछ लो प्रधानमंत्री मोदी से। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कौन पूछे, क्योंकि चंदे की बड़ी रकम आती है एडवर्टाइजमेंट के रूप में, समझ गए आप? तो भाई घोल माल तो है, अंग्रेज ऐसे ही थोड़ा राज कर गए हमारे देश में, क्योंकि देश के ही गद्दार लोग, जो पैसा कमाने वाले लोग थे, जो पैसे को पसंद करते थे, वो स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ तो ऐसे ही काम करते थे। तो आज के जमाने में भी जिंदा हैं ऐसे लोग, ऐसे परजीवी जो देश को बेचने के लिए भी तैयार हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर के। कपिल शर्मा का एक नेटफ्लिक्स पर शो देखा मैंने, उसमें आया, बोल रहे थे कि यार बैंक से लोन लेने की जरूरत क्या है, बैंक मतलब बैंक डिफॉल्टर कर दिया, ऐसा कुछ बोल रहे थे कि ललित माल्या बन जाओ, निकल लो लेकर। देश के हालात इतने खराब हैं कि अगर कोई हास्य कलाकार
प्रधानमंत्री मोदी से आधी रात को सवाल कर ले, ये पूछ ले कि मैं इतना टैक्स देता हूं और उसके बाद मुझे अपना ऑफिस बनाने के लिए इतना रिश्वत देनी पड़ती है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी क्या यही है नया इंडिया? ये कपिल शर्मा की पुरानी बात है, मैं देख रहा था नेटफ्लिक्स पर, तब ध्यान आया मुझे। लेकिन किसी मीडिया ने कपिल शर्मा का पक्ष नहीं दिखाया, लेकिन बेचारे को ट्रोल कर करके उस आदमी को डिप्रेशन में डाल दिया। तो भैया तानाशाह हो तो क्यों नहीं हो? हाँ, ये दलील दी जाती है बीजेपी के भक्तों के द्वारा कि मोदी तानाशाह कैसे हो सकता है, मोदी तानाशाह कैसे होता है, शाहीन बाग पर रोकने लगाई, किसी पर रोकने लगाई। लेकिन भैया शाहीन बाग पर एक आदमी कट्टा लेकर तो घूम रहा था, आप उसको हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे थे। परेशानी क्या है कि डिवाइस एंड चूर के जब से फैसले आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री की सपोर्टों में एक बेचैनी फैल गई है, और बेचैनी इतनी बुरी तरह फैल गई है, चुनाव हारने का डर इस कदर बैठ गया है। हालांकि मैं मानता हूं कि बहुत सारी चूहे जो राहुल गांधी के आसपास इसीलिए आए थे और आज भी मौजूद हैं टिकट लेने के लिए, जिनकी बड़े बड़े अप्रोचेस हैं, जो अपने अपने हिसाब से अप्रोच कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी में, वो अपने हिसाब से बस टिकट चाहिए। लेकिन क्या किसी ने सेवा की? चलिए दूसरा विषय हो सकता, बात कर रहे थे हम गोदी मीडिया पर। दोस्तों गोदी मीडिया जिसने केवल एक पुजारी का दिखाया, लेकिन बहिष्कार तो होना चाहिए, लेकिन साहब सौरभ बांगचुक की जो मैंने बात उठाई उस पर ही बात होनी चाहिए, और वाशिंग पाउडर मोदी पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का डंका अमेरिका में किस तरह से बच रहा है, उसका एक वीडियो हम यहाँ डालना चाहेंगे। दोस्तों India as a model to lead their country and not China. No vote, no democracy. And we need as a counterweight to China that the tradition of democracy of one man, one lady, one vote is very, very important. It is more important than anything else. India Flock does very, very well. So you are supporting the India Flock? Very much so, very much so. And many Americans support. India government. Right. America. Yeah, I'm from Florida, Miami Beach. You know the sharks. Show my support. Yeah. To wish you the best. Yeah, I wish you the best. Okay, not sure if I understand, but Congress would have to work with all the parties, Kerala, Tamil. I don't know all enough about Indian politics, but all the parties, there are many here, would have to work arm in arm. They would have to work arm in arm together and be cooperative and not disrespect one party to the next election. Yeah. Okay, thank you very much. Modi ji, ये वीडियो आपने देख लिया होगा, 7 चरणों में चुनाव होंगे, पीएट के बारे में क्या कोई विशेषण इस मीडिया ने दिखाया आपको? शायद नहीं दिखाया होगा। और एक सबसे बड़ी न्यूज जो आई, जिसमें डीवाई चंचोड़ ने कहा कि सीबीआई को डांट लगाई, डीवाई चंचोड़ ने सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने बोला कि भैया आप दुनिया भर के छापे वापे मारते घूम रहे हो, आप कम से कम देश में आर्थिक अपराध जो हो रहे हैं, इशारा बीजेपी की तरफ था, आर्थिक अपराध किसने किए? इलेक्टोरल बॉन्ड पर बीजेपी ने। सीबीआई को फटकार मारी है कि बीजेपी पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। लेकिन खबरों की पंक्तियां सिकुड़ जाती हैं, खबरों की पंक्तियां प्रधानमंत्री मोदी से सवाल नहीं पूछ सकती, क्योंकि उनके राज में सवाल पूछने की इजाजत नहीं है हुजूर। क्योंकि सुल्तान से अगर कोई सवाल पूछा तो पता नहीं कौन जज लोया बन जाए, या फिर कोई पत्रकार गोया बन जाए, नहीं पूछ सकते। सीबीआई को सीधे सख्त ऑर्डर दिए डीवाई चंचोड़ ने। ये शायद प्रधानमंत्री मोदी की शासन व्यवस्था पर एक सीधा सा थप्पड़ ही था कि जो सीबीआई पर बोल रहे हैं डीवाई चंचोड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के बाद दूसरी ताकत जो संविधान को जो है सेफ रखने की जिम्मेवारी जिनके ऊपर है, वो बोल रहे हैं, और उसके बाद कोई खबर नहीं आती। 63 साल के पुजारी की खबर आती है, हिंदू मुस्लिम और बस दंगे भड़काने वाली खबरें या धार्मिक चैनल आ जाए। सोशल मीडिया पर इस पालतू मीडिया के खिलाफ काफी गुस्सा है, लेकिन गुस्सा इसलिए नहीं है कि वो मोदी जी के समर्थक है, गुस्सा इसलिए है कि प्रोपेगंडा न्यूज, देश में नफरत फैलाने वाली न्यूज फैलाता है ये प्रोपेगंडा मीडिया। हो सकता है आने वाले भविष्य में सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा, कुछ सिविल सोसाइटीज के लोग जागेंगे और इनके खिलाफ भी बात करेंगे, क्योंकि अगर इनकी जुबान बंद ना की गई, इनके झूठे और फेक एजेंडा बंद ना किए गए, जैसा कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं
कि आज तक को बंद कर दो, तो भाई सारे विपक्षी दलों को इनका साथ देना चाहिए। सही खबर क्या होती है, सही खबरों से नाता क्या होता है, वो नहीं दिखाया जाता। बाबा रामदेव को माफी मांगने के बाद माफी नहीं मिलती, अदालतों में इस चीज को नहीं दिखाया जाता। जी हाँ, ये वही बाबा रामदेव है जिसने कोरोना में दावा किया था कि मैंने ऐसी दवा बना रखी है कि कोरोना का इलाज संभव है, उसी पर डांट मारी है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या इस पर मीडिया ने संज्ञान लिया? अंजना जी, रूबिका जी, आपने कोई संज्ञान लिया? ए ए अन्नम गोस्वामी, तुमने संज्ञान लिया? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? वो लागे तुम्हारा पिया। पिया तो पिया होता है, और जो पिया होता है वो पैसे पे करता है, विज्ञापन देता है, रुपयों से मुंह भर देता है, तो देश के मुद्दे तो गए भाड़ में। 80 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं जिनको राशन बांटना पड़ रहा है, संघ बोल रहा है, संघ का वीडियो बोल रहा है, लेकिन इन बेशर्म पत्रकारों को शर्म नहीं आती। इनको शर्म नहीं आती कि कल को जब इतिहास में लिखा जाएगा कि कुछ गद्दार पत्रकारों ने देश को बेच दिया, इनको शर्म नहीं आती जब इतिहास के किताबों में इनका नाम काले अक्षरों में दर्ज किया जाएगा, जब इनके बच्चे शर्म के मारे इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। दोस्तों, शर्म आती है मुझे इस पालतू मीडिया पर, और शर्म आती है प्रधानमंत्री मोदी पर कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को 10 सालों में क्या से क्या बना दिया, हर चीज को दो भागों में बांट दिया, एक मोदी समर्थक, एक लोकतंत्र समर्थक। मोदी व्यक्तित्व अच्छा है, इतने पोस्टर मैं भी छपवा लूं, अपने फोटो मैं भी खिंचवाने लगूं, तो मैं मोदी से ज्यादा प्रसिद्ध हो जाऊंगा। स्मार्ट तो हूं यार, हूं कि नहीं? हूं ना स्मार्ट, प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा स्मार्ट हूं। दाढ़ी वाड़ी रखने की भी जरूरत नहीं है, फोटो शूट कराना हो और बढ़िया कैमरामैन मिल जाए तो मैं भी बन सकता हूं। लेकिन बिना कैमरामैन के एक ध्रुव राठी नाम का आदमी, इनकी जो है धूल उड़ा जाता है और ये कुछ कर नहीं पाते। मीडिया के भी पोल खोल जाता है और सारी पोलें खोल जाता है, लेकिन अजर अमर अनंत मीडिया, झूठा मीडिया, वो खबरें नहीं दिखाता जो देश के लिए जरूरी हैं कि 30 जगहों के नाम चीन ने बदल दिए। चीन अंदर घुस गया तो प्रधानमंत्री मोदी से कोई सवाल नहीं। 80,000 करोड़ के नोट गायब हो गए रिजर्व बैंक से, उस पर कोई सवाल नहीं। ईवीएम मशीन गायब हो गई, उस पर कोई सवाल नहीं। वीवीपीएट का कानून आ गया, और कानून से क्या प्रभाव होंगे प्रधानमंत्री मोदी, और चुनाव आयोग कैसे व्यवस्था करेगा उसकी, उस पर कोई सवाल नहीं। ना चुनाव आयोग से, ना प्रधानमंत्री मोदी के उन सारे संस्थानों से जहां जहां उनके लोग बैठे हुए। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ तो ऐसा है इस देश में जो चलाया जा रहा है एक एजेंडे के तहत? क्या आपको लगता है कि आपको आज़ादी मिलेगी? अगर आपको लगता है कि आज़ादी मिलेगी तो ठीक है, और आज़ादी नहीं मिलेगी तो ध्रुव राठी समेत मेरे वीडियो को भी एक आंदोलन बना लीजिए, आंदोलन बना लीजिए। बस मैं 100 शेयर नहीं मांग रहा ध्रुव राठी की तरह, मैं केवल 10 शेयर फेसबुक पर और 10 शेयर आपके व्हाट्सएप पर मांग रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर मांग रहा हूँ, बस 10-10, ज़्यादा नहीं, जो आपको पसंद आए। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।